पांच राज्यों के चुनाव में मोदी को बड़ा झटका। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत। एमपी में सरकार बनाने की ओर कांग्रेस। राजस्थान और छत्तीसगढ़ बीजेपी के हाथ से निकला। कांग्रेस में अब मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन। राहुल बोले 2019 में भी मोदी को हराएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा ब्रांड मोदी फीका पड़ा। मोदी अब कैसे जीतेंगे 2019 की लड़ाई। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज। तीन राज्यों में कांग्रेस का डंका बोला है, बीजेपी से सत्ता छिन गई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अकेले अपने दम पर सरकार बना रही है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और निर्दलीय की मदद से सरकार बना सकती है। तीनों राज्यों में कौन बनेगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री, अब सबसे बड़ा सवाल यह है। लेकिन हिंदी हार्टलैंड में ये तीन बीजेपी के किले जिन्हें ध्वस्त करने में कामयाब रही कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश में मुकाबला दिलचस्प रहा। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है 114 सीटों के साथ। बीएसपी और एसपी के समर्थन से वहां सरकार बना सकती है। मुख्यमंत्री कौन होगा यह सवाल बना रहेगा। हालांकि राजस्थान में हम आपको बता दें अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से कोई एक होगा मुख्यमंत्री। वहीं छत्तीसगढ़ में 15 साल के रमन सिंह के राज को दरवाजा दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त मैंडेट हासिल किया है। मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं। एमपी में कुछ देर पहले ही तस्वीर साफ हुई है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 114 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी 109 सीटों पर सिमटी। बीएसपी के खाते में 2 सीट गई हैं और समाजवादी पार्टी को भी 1 सीट जीतने में कामयाबी मिली है। वहीं 4 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में वोटों की गिनती का काम पूरा, इस वक्त की यह बड़ी खबर है। और मध्य प्रदेश जहां लगातार कल पूरे दिन भर कांटे की टक्कर रही, वहां अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। बड़ी तस्वीर आपको दिखा दें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 114 सीटें गई हैं 230 में से। बीजेपी को 109 सीट मिली है, बीएसपी को 2, समाजवादी पार्टी को 1, निर्दलीय के खाते में 4 सीटें गई और कांग्रेस पार्टी बहुमत के मार्ग से पीछे है, 116 बहुमत का आंकड़ा। लेकिन कांग्रेस पार्टी कैसे सरकार बना सकती है? विकल्प नंबर 1, कांग्रेस की कुल सीटें 114, उसमें अगर बीएसपी अपना समर्थन दे 2 विधायकों के साथ, समाजवादी पार्टी का 1 विधायक, कुल हो जाता है जमा 117, जो बहुमत के जादुई 116 आंकड़े से 1 ज्यादा है। यानी पहले विकल्प के मुताबिक इस तरह बन सकती है सरकार। दूसरा विकल्प कांग्रेस की सरकार का क्या है? 114 सीटें कांग्रेस पार्टी की, उसमें आप निर्दलीय 4 जोड़ दें, इसका भी जमा 118 होता है। यानी यह भी सरकार बनाने का एक विकल्प मौजूद है। दोनों परिस्थितियों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। या तो 4 निर्दलीय अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दें या फिर बीएसपी और एसपी का समर्थन मिले। हम आपको यह भी बता दें कि जो 4 निर्दलीय हैं दरअसल कांग्रेस के ही बागी हैं, कांग्रेस से बागी होकर ये चुनाव लड़े। कौन है वो? केदार चिदाभाई दावर, भगवानपुरा से कांग्रेस के बागी चुनाव लड़े और जीत गए। ठाकुर सुरेंद्र सिंह बुरहानपुर से कांग्रेस के बागी उम्मीदवार, जिन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। तीसरे निर्दलीय राणा विक्रम सिंह सुसनेर से कांग्रेस के बागी उम्मीदवार हैं और प्रदीप जायसवाल वारासिवनी से कांग्रेस के बागी उम्मीदवार जीत हासिल की। यानी प्रदीप जायसवाल वारासिवनी से शिवराज के साले संजय सिंह मसानी को हराया है, जो ठीक चुनाव से पहले पाला बदलकर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे और कहा था कि मुख्यमंत्री बनने लायक कमलनाथ है। और हमने बात की कांग्रेस पार्टी की, क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बीजेपी को बहुमत किसी सूरत में नहीं मिलता। बीजेपी की संख्या 109 है, अगर बीएसपी उसे समर्थन दे दे और निर्दलीय भी मिल जाए तब भी कुल आंकड़ा 115 पहुंच रहा है, जो बहुमत से 1 कम है। बहुमत का आंकड़ा 116, बीजेपी बीएसपी और निर्दलीयों का समर्थन लेकर के भी सरकार नहीं बना पा रही है। यानी बीजेपी को किसी सूरत में फिलहाल जो स्थिति है बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। अब नतीजों से पहले किस तरह की स्थिति थी देश की? 68% आबादी पर, 68% आबादी पर एनडीए का राज्य था। 19 राज्य थे एनडीए के खाते में, यूपीए के पास महज 5 राज्य, अन्य के खाते में 6 राज्य। ये नतीजों से पहले की तस्वीर थी। अब देखिए तस्वीर कैसे बदल गई है। एनडीए के राज्य अब घटकर 16 हो गए हैं। 3 बड़े किले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान बीजेपी के हाथ से निकले, जुड़ गए हैं वो यूपीए के खाते में, क्योंकि इन तीनों पर अब कांग्रेस का राज होगा। 7 हो गया है वहां आंकड़ा और अन्य के राज्य 7। देश की आबादी पर एनडीए का राज जो है वो 49.9% हो गया है।
मध्य प्रदेश पर इस वक्त सबकी नजरें, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में किस तरह के समीकरण बनेंगे जानने के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल से। हमारे सहयोगी और संवाददाता अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, किस तरह की हलचल है, क्योंकि अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है मध्य प्रदेश में, अब कहां से समर्थन लेंगे, बीएसपी एसपी या फिर निर्दलीय? सरकार बनाने का विकल्प कांग्रेस के पास किस तरह का है? जी, कांग्रेस के नेता कल दोपहर के बाद से ही इसी ऊहापोह में थे और रात में जब 3:30 बजे के आसपास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो उस दौरान भी जब हमने जो उनसे बात की है तो उनका इशारा यही था कि जो निर्दलीय है, सबसे पहले वो जो बैंक कर रहे हैं, यानी कि जो सबसे पहले भरोसा जता रहे हैं वो उन निर्दलियों के ऊपर जता रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के जो बड़े नेताओं का कहना है, जो ये 4 निर्दलीय जीत के आए हैं ये कांग्रेस के ही बागी हैं जिनको बना लिया जाएगा और आराम से बिना किसी दिक्कत के सरकार बना ली जाएगी। और अगर उनमें से कोई निर्दलीय नहीं भी मानता है तो सपा और बसपा के जो विधायक हैं उनका समर्थन भी मिल जाएगा। लेकिन यहां पर जो है एक पेश तब आया था जब कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल के पास में मिलने का वक्त मांगा गया, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद बीजेपी की प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष राकेश सिंह ने ट्वीट करके कहा कि हम भी राज्यपाल के पास जाएंगे और ये कहेंगे कि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि जब बीजेपी के पास में अगर वो सारे जो है सारे विधायकों को जोड़ लेती है जो कि कांग्रेस के पास में नहीं है, तब जा करके भले ही वो 116 हो, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अभी सबसे ज्यादा जो दारोमदार है या जो जिम्मेदारी है वो समझ रही है कि निर्दलियों से उसको समर्थन मिल सकता है, क्योंकि इसमें से जो 4 निर्दलीय है वो कांग्रेस से ही बागी होकर चुनाव मैदान में उतरे और अपनी अपनी सीट जीत गए। आपको बता दें, निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र ने कहा है कि जनता से बात कर फैसला लेंगे वो कि किसे समर्थन देना है। जनता ने खुद के लिए वोट डाला, जनता खुद जीती। क्या समर्थन देंगे कांग्रेस को जीतने के बाद? जनता जो बोली वो करेंगे, जनता जनार्दन है। ठाकुर सुरेंद्र सिंह पहले कांग्रेस पार्टी में ही थे, बागी होकर चुनाव लड़े और जीत गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार बनाने में आगर मालवा की सुसनेर सीट से जीते राणा विक्रम सिंह अहम भूमिका निभा सकते हैं। राणा कांग्रेस के बागी हैं। वहीं राणा जीतने के बाद फिलहाल कांग्रेस बीजेपी दोनों पर ही आरोप लगाते हुए जनता से बात करने के बाद किसी भी पार्टी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। बड़े भारी अंतर से आपने जीत हासिल की है, किसको आपको श्रेय देंगे आप? बागी जनता को और कार्यकर्ताओं को। किस तरह से आपको समर्थन मिला था, क्या उम्मीदें थी आपकी? देखिए, जब सबसे विधानसभा का जब टिकट वितरण हुआ कांग्रेस बीजेपी दोनों का, काफ़ी आक्रोश था और लोगों ने ही निर्णय लिया था कि आप चुनाव लड़े, चुनाव हम लड़ेंगे और ये जनता की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत। मैजिक नंबर जो था कांग्रेस का बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं है, ऐसे में आप किसके साथ जाएंगे? अभी मैंने जो बोला ये कमा के कार्यकर्ता और जनता तय करेगी। कांग्रेस का साथ देंगे आप? नहीं, मैं आपको कह चुका हूँ कि ये वहाँ के कार्यकर्ता तय करेंगे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।